लेट्स कंटिन्यू। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन नंपी अरे। नंपी अरे आपके सिलेबस में इंक्लूडेड था, लेकिन चूंकि कोरोना के कारण 30% आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसमें इस टॉपिक को चैप्टर को इलिमिनेट कर दिया। चैप्टर इलिमिनेट हो गया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत जगह आगे आएगा, इसलिए मैंने आपको वर्ड में नोट्स बनाकर व्हाट्सएप में आपको पोस्ट किया है, आप देख लीजिएगा। एक दो पेज का है, मतलब 2 या 3 पेज का होगा, वो सब कंसाइज किया हुआ सब नोट्स है। बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगा। उसमें बाकी जो सिलेबस में नहीं है उसको मैं हटा दिया, है ना। नंपी अरे सिर्फ बेसिक्स आपको जानना है कि वो है क्या, एज एन अरे वन डायमेंशनल अरे होता है, और दूसरा है सीरीज अरे। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए मैंने लिख दिया, पूरा नोट्स आपको बना के दे दे रहा हूं। इन केस ऑफ नंपी अरे, नंपी अरे में और सीरीज ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है इन टर्म ऑफ वेक्टराइज ऑपरेशन। इन केस ऑफ नंपी अरे यू कैन परफॉर्म वेक्टराइज ऑपरेशन। वेक्टराइज ऑपरेशन क्या होता है कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फंक्शन आप यूज करते हो तो उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट में वो इफेक्ट करेगा। जैसे एडिशन दिया तो सारे एलिमेंट उसके एड होंगे, सब्सट्रैक्शन तो सारे एलिमेंट ईच से वो सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब उसका एप्लीकेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द अरे या सीरीज ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है, मैंने आपको डिस्कस किया था वेक्टराइज ऑपरेशन में। यू कैन परफॉर्म वेक्टराइज ऑपरेशन ओनली इफ द शेप SHAPE, शेप का मतलब होता है टपल, रो, टपल या रो बोल सकते हो, है ना। तो अगर आपका शेप ऑफ द टू नंपी अरे अगर मैच कर जाता है, इन द केस ऑफ नंपी अरे हम लोग शेप के अकॉर्डिंगली चलते हैं, इसमें इंडेक्स पे चलते हैं। देखिए सीरीज ऑब्जेक्ट में हम इंडेक्स के बेसिस पे करते हैं, इसमें शेप के बेसिस पे। शेप ऑफ द टू नंपी अरे मैच करता है तभी वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, रिटर्न एन एरर, एक एरर मैसेज देगा, ठीक है। अगर मैच किया तो ठीक है, नहीं तो एरर मैसेज आएगा। लेकिन सीरीज ऑब्जेक्ट में एरर मैसेज नहीं आता है, बट विद द सीरीज ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ वेक्टराइज ऑपरेशन द डेटा ऑफ टू सीरीज ऑब्जेक्ट इज अलाइन, अलाइनमेंट होता है एज पर द मैचिंग इंडेक्स। इंडेक्स बेसिस पे हमको मैच करते हैं, अगर मैच हो गया तो ऑपरेशन होगा, नॉन मैचिंग रहा अगर नहीं हुआ एंड ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन देम एंड फॉर नॉन मैचिंग इंडेक्स, अगर नहीं मैच किया तो नैन रिटर्न करता है, प्रोड्यूस करता है, रिटर्न करता है। नैन मतलब नॉट अ नंबर, यहां पर देखिए एन कैपिटल है, ए स्मॉल है और एन कैपिटल, ध्यान रखिएगा। नैन एक क्या है, मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए सेकेंड पॉइंट जो होता है, इन नंपी अरे द इंडेक्सेस आर ऑलवेज न्यूमरिक, इसमें हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। इन नंपी अरे द इंडेक्सेस आर ऑलवेज न्यूमरिक स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड्स, लेकिन सीरीज ऑब्जेक्ट में इट कैन एनी टाइप, जीरो तो होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप चाहो तो उसमें अल्फाबेट भी डाल सकते हो, एनी टाइप ऑफ द इंडेक्सेस इंक्लूडिंग नंबर्स भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि जीरो से हो। आप चाहो तो आप चाहो 11 से करना चाहते हो 11 से कर लो, जैसे आप चाहो इंडेक्सेस कीवर्ड यूज करके कर लो, लेटर यूज कर सकते हो, लेवल यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू यूज कर सकते हो, तो जो चाहो आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या हो सकता है, नहीं फिक्स्ड है, जीरो से ही होगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंसेस है वो मैं आपको समझा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए दो ही टॉपिक आपका बच गया है सीरीज ऑब्जेक्ट में, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, हम लोग आपको पढ़ाया हो, वेलेबल में भी पढ़ाया हो, ये मल्टी ब्रैकेट के द्वारा हम लोग एक्सेस करते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट का वैल्यू क्या है। दूसरा एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेस, स्लाइसेस मतलब रेंज, रेंज फंक्शन, स्टार्टिंग स्टॉप स्टेप, आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत सिंपल है, हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिस्कस करके कम्प्लीट कर लेंगे। तो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको वर्ड में बना के पोस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप में। थैंक यू।